बीटीएस के कई सारे हेटर्स हैं और ये हेटर्स कभी भी शांत नहीं बैठते, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी आग होती है ना जो कभी बुझ ही नहीं सकती। जहां बीटीएस के मेंबर्स इतने अच्छे हैं, सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वहीं लगातार इन हेटर्स की नफरत की वजह से बीटीएस को बुराई झेलनी पड़ती है। हमारे शुगा के साथ तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन देखा जा रहा है कि अब बीटीएस के बाकी मेंबर्स को भी ये बुराई झेलनी पड़ रही है और इसमें आर्मी साथ मिलके बीटीएस को साथ दे रही है और उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि बीटीएस के सभी इंस्टाग्राम्स खतरे में हैं, क्योंकि वो जल्दी ही बैन हो सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि रिसेंटली बीटीएस आर्मीज ने मिलकर अपनी पावर दिखाई थी और डिस्पैच और बाकी फालतू सभी ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया था जो शुगा के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे थे। यही नहीं बल्कि आर्मीज ने मिलकर कई सारे बीटीएस हेटर्स के अकाउंट्स को भी सस्पेंड करवा दिया था, क्योंकि वो लोग शुगा के बारे में फालतू बातें बोल रहे थे और उल्टी फुल्टी बातें पोस्ट कर रहे थे। लेकिन पता चला है कि रिसेंटली कई सारे बीटीएस हेटर्स मिलकर लगातार बीटीएस मेंबर्स के इंस्टाग्राम्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे आर्मीज ने नोटिस किया है कि बीटीएस के मेंबर्स के इंस्टाग्राम में काफी तेजी से फॉलोअर्स खत्म हो रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम भी काफी ज्यादा हैंग हो रहे थे और कई बार सर्च करने पे सामने भी नहीं आ रहे थे। जिसके बाद आर्मीज को रियलाइज हुआ कि कई सारे बीटीएस एंटी फैंस मिलकर उनके इंस्टाग्राम को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीटीएस का इंस्टाग्राम डिलीट भी हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, अगर किसी पब्लिक अकाउंट को बहुत ही ज्यादा मास में या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में रिपोर्ट किया जाता है, तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि इस अकाउंट ने कुछ गलत किया है और उस अकाउंट को रिमूव कर दिया जाता है। और वही चीज बीटीएस के अकाउंट्स के साथ भी हो सकती है, जिसको देखकर आर्मीज काफी ज्यादा टेंशन में आ गई हैं। कई सारे आर्मीज ने इसका एक तोड़ निकाला। उन्हें ये समझ में आया कि अगर आप बीटीएस के मेंबर्स के अकाउंट्स को शेयर करोगे तो जो रिपोर्टिंग वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। तो कई सारी आर्मीज लगी पड़ी हैं, बीटीएस के अकाउंट्स के लिंक्स को कॉपी कर रही है और उन्हें इधर उधर शेयर कर रही है, ताकि बीटीएस के अकाउंट्स और ज्यादा प्रमोट हो जाएं, बीटीएस के अकाउंट्स और ज्यादा फैल जाएं और जो भी लोग उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि अकाउंट ब्लॉक हो जाए, ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों, मेन बात तो ये है कि आखिर क्यों लोग बीटीएस के पीछे पड़े हैं। बीटीएस ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो उनसे कुछ भी नहीं बोल रहे, वो अपने फैंस से बातें करते हैं, अपने फैंस के लिए काम करते हैं और बस खुश रहते हैं। फिर इन हेटर्स को प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों ये बीटीएस के पीछे पड़े हैं? पहले तो शुगा के पीछे इस तरीके से पड़ गए, दुनिया में पता नहीं कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए, लेकिन शुगा के पीछे पड़े जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को गिरा दिया था और किसी को कुछ किया भी नहीं। और अब बीटीएस के सभी अकाउंट्स को रिपोर्ट करना, ताकि उनका इंस्टाग्राम बैन हो जाए, सस्पेंड हो जाए, आखिर ये हेटर्स चाहते क्या है? ऐसे में हम सभी आर्मीज को आगे आकर इन हेटर्स के साथ लड़ना होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हो या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।